इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। रेक्सीडिन M4 जेल का इस्तेमाल हर हाल में आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही किया जाना चाहिए। डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और अवधि में इसका इस्तेमाल करें। आपको अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित मात्रा या अवधि से अधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे इसकी कार्यप्रणाली में कोई तेजी नहीं आएगी, बल्कि साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इस दवा का इस्तेमाल करने से एप्लीकेशन साइट रिएक्शन, जलन, बेचैनी, खुजली और लालिमा, मुंह में सूखापन, धातु जैसा स्वाद, मिचली आना और दांतों पर दाग जैसे कुछ सामान्य साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये आमतौर पर अस्थायी होते हैं और समय के साथ ठीक हो जाते हैं। अगर वे समय के साथ ठीक नहीं होते हैं या स्थिति अधिक खराब हो जाती है तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। आपका डॉक्टर साइड इफेक्ट की रोकथाम या इन्हें कम करने के तरीके बता सकता है। दवा का उपयोग करने से पहले अगर आप उसी रोग या अन्य बीमारियों के लिए किसी अन्य दवा का उपयोग कर रहे हैं या हाल ही में कर चुके हैं तो अपने डॉक्टर को बताना महत्वपूर्ण है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह दवा आपके लिए सुरक्षित है। रेक्सीडिन M डेंटल जेल के फायदे। मुंह के छाले का इलाज। मुंह के छाले होठों के आंतरिक हिस्सों, मसूड़ों, जीभ, मुंह या गले की छत पर होने वाले छोटे दर्दनाक घाव होते हैं। इनके कारण खाने पीने और यहां तक कि बोलने में परेशानी आ सकती है। रेक्सीडिन M4 जेल हमारे मस्तिष्क में दर्द की संवेदना तथा सूजन के लिए जिम्मेदार केमिकल्स को ब्लॉक करता है। देयरफॉर इट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम पेन, डिस्कम्फर्ट एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन सच एज रेडनेस और स्वेलिंग ड्यू टू माउथ अल्सर्स। रेक्सीडिन M4 जेल में एंटीमाइक्रोबियल एजेंट भी होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को मारते हैं और किसी भी अन्य इन्फेक्शन को रोकते हैं। इससे आपके लिए रोजमर्रा के कामकाज करना आसान हो जाता है। अधिकतम लाभ पाने के लिए इसका इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा बताए गए अनुसार जारी रखें। रेक्सीडिन M डेंटल जेल के साइड इफेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। रेक्सीडिन M40 के सामान्य साइड इफेक्ट। इस्तेमाल वाली जगह पर रिएक्शन, जलन, खुजली, लालिमा, सूखापन, धातु जैसा स्वाद, मिचली आना, दांतों पर दाग। रेक्सीडिन M डेंटल जेल का इस्तेमाल कैसे करें? यह दवाई केवल बाहरी इस्तेमाल के लिए है। इस दवाई को डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और अवधि में लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।